HDR 2018 HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये साल 2018 में हुआ था दोस्तों। आज इसके बारे में हम बात करेंगे और मेन रीजन क्या है, ये किस लिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये किस बेसिस पे किया जाता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और साथ में देख लेंगे कि इसका जो मेन सोर्स है ये इनइक्वालिटी है और दूसरा जो है जेंडर है। जो एचडीआर है, एचडीआर का मेन जो रिसोर्स है, संसाधन है, वो इनइक्वालिटी है और जेंडर है। इन दोनों के बेस पे जो एचडीआर का समापन किया जाता है दोस्तों। आज जो एचडीआर है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 में किया गया था, ये रिपोर्ट इसलिए होता है दोस्तों, जो किसी भी देश की जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीन चीज के ऊपर जो लोग पूर्ण तरह से स्थायित्व में है, इस पे जो वर्क किया है, वो देश आने वाले समय में सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस फील करेगा। क्योंकि जो एचडीआर है ह्यूमन दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये जो दोस्तों एचडीआर है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 में यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दोस्तों हर दो साल में एक बार किया जाता है दोस्तों एचडीआर। इससे पता ये चलता है कि किस देश की कितनी अच्छी स्थिति है, वहाँ के लोग कितना खुशहाली हैं और उनके जीवन स्तर में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, और वहाँ पे स्वास्थ्य का कौन सा स्तर चल रहा है और शिक्षा की स्तर कहाँ तक पहुँची है दोस्तों। यही है एचडीआर का मेन मोटो और ये हर दो साल में एक बार होता है। और इसको कराता कौन है दोस्तों, इसको कराता है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कराता है अमेरिका देश। हर दो साल में सभी देशों का किया जाता है, एक सर्वे किया जाता है, एक रैकी किया जाता है, एक दौरा किया जाता है, उसे यूएनडीपी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग दोस्त जानते हैं यूएनडीपी की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो ये हुआ था 24 अक्टूबर में 1945 में, जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था दोस्तों, उसी टाइम में ये जो सर्वे किया गया था उसी टाइम में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और एस्टेब्लिश इसलिए हुआ था क्योंकि वर्ल्ड वॉर में जितने लोग इन्फेक्टेड थे, जितने लोग मारे गए थे, उनका जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही खराब हो चुकी थी बहुत से देश की, इंक्लूडिंग इंडिया जो है उस समय न्यूट्रल हो गया था, इसने किसी भी जो वर्ल्ड वॉर में किसी देश का साथ नहीं दिया था। इसीलिए जो भारत देश है दोस्तों, जो वर्ल्ड वॉर में भारत देश ये न्यूट्रल हो गया था, मतलब शांत हो गया था उस समय, ये किसी देश का पक्ष नहीं लिया था। इसीलिए जो भारत देश है दोस्तों उस समय न्यूट्रल था वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में। जो वर्ल्ड वॉर सेकंड कब हुआ था दोस्तों, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था 1939 से 1945 में। और दोस्तों ये जो वर्ल्ड वॉर है ये टोटल 6 साल चला था, और जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है दोस्तों, हम आप एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वो 1914 से 1918 में हुआ था दोस्तों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट दोस्तों। उसके बाद जो ये है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसके बाद में यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी अमेरिका के द्वारा, क्योंकि उस समय जो देश हैं 93 देशों के जो सदस्य हैं उन्होंने अमेरिका में एक संविधान के तहत उन्होंने एक संवैधानिक प्रारूप को तैयार किया, और उसके तहत सभी देश में जो होने वाले युद्ध से होने वाले जो हानि थे, जो उनके बच्चे थे और उन लोग को और जो विधवा औरतें वगैरह थीं उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, मतलब और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा फैसिलिटीज देने के लिए इस यूएनडीपी का
जो है स्थापना किया गया था, इसी के बेसिस पर हर देश की जो हंसी है वो देखी जाती है, जो खुशहाली है वही देखी जाती है, उसे HDR बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो 2018 में हुआ था और ये हर दो साल में होता रहता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत देश का जो HDR है वो साल 2018 में दोस्तों 130 पहुंच गया था। इसके पहले हुआ था दोस्तों 2016 में हुआ था दोस्तों, तो उस समय जो है 169 था, 169 मतलब काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है जो भारत देश ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है, क्योंकि जो भारत की गवर्नमेंट है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों जो जीवन स्तर है उनको सुधारने के लिए और जो स्वास्थ्य है और जो शिक्षा है इस पर काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, काफ़ी जोर दिया जा रहा है दोस्तों इस HRD को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि उस देश में पार्टिकुलर देश, चाहे भारत है, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, एनीवे कोई भी कंट्री है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उनमें उस देश में कितनी खुशहाली है HRD के माध्यम से निकाल लिया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो टॉपिस्ट देश हैं, जिसका जो हंसी है, जिस देश की जो टॉपिस्ट कंट्रीज हैं, जो डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो टॉपिस्ट कंट्री हैं वो सबसे पहले आता है दोस्तों आपका नार्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आता है दोस्तों जर्मनी के बाद एक दोस्त और है दोस्तों जर्मनी, एक हो गया चिली। ये सब जो देश हैं दोस्तों ये वर्ल्ड में सबसे टॉपिस्ट पे आते हैं, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों अगर जब बात करते हैं उस देश की जो इस HRD में सबसे नीचे हैं, तो उसमें से अगर हम टॉप 5 की लेते हैं तो उसमें नाइजर देश ये डाउन में, ये टॉप में है। जो नाइजर है दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका है, सूडान देश है ना, और ये सूडान देश है, नाइजर, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, और इसी तरह एक दो और हैं जो लीबिया भी है दोस्तों, ये सबसे डाउन में आते हैं। जो नॉर्वे है दोस्त, यहाँ की जो जितना लोग जो जीवन की प्रत्याशा है वो 80 साल की है, टोटल 80 साल की है, लेकिन 80 साल में इनको 18 साल जो है वो विद्यालय में गुजारना पड़ता है एच पर सर्वे, और बाकी की जिंदगी ये लोग फ्री में सर्वाइव करते हैं, मतलब 18 ईयर्स नेसेसरी फॉर एवरीवन्स टू बी स्टडीज इन द कॉलेज और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो नाइजर देश, यहाँ पे जो टोटल 60 वर्ष का इनका जीवन जो है जीवन प्रत्याशा होता है, और इनमें 60 वर्ष में दोस्तों इनको 5 साल तक जो 5 ईयर्स ये है इनको जो विद्यालय में इनको व्यतीत करना पड़ता है, मतलब 5 साल तक पढ़ाई करना पड़ता है, बाकी की अपने आम लाइफ में बिताते हैं दोस्तों। इसी तरह और भी देश हैं, बहुत सारे देश हैं जिनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबी हो जाएगा दोस्तों, लेकिन ये मोटा मोटा समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। नॉर्वे देश हो गया, एक ये हो गया नाइजर देश, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं भारत देश के ऊपर, जो भारत देश है ये इनकी जो जीवन प्रत्याशा है इनको 65 वर्ष रखा गया है, लेकिन अभी साल 2018 में 60 वर्ष कर दिया गया है। 60 वर्ष में भी यहाँ 18 ईयर्स जो है वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए नेसेसरी रखा गया है, लेकिन एज पर सर्वे
इतना पॉसिबल नहीं है, कुछ लोग बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं हाई स्कूल तक ही, जिसमें उनका एज प्रोबेबली 10-15 ईयर्स रहता है, 15 ईयर्स रहता है। दोस्त अब हम बात करेंगे इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी इतनी क्यों है, जो भारत देश है या और कोई देश है उनकी जो HDR रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसमें जो इनइक्वालिटी रखी गई है, असमानता है। असमानता इस बात का है दोस्तों कि जो अगर HDI रिपोर्ट जितना ज़्यादा होगा, रैंक उनका जितना ज़्यादा होगा, मतलब HDI रिपोर्ट में नंबर्स जितना ज़्यादा होगा, जैसे 130 है, तो उनका जो रैंक होगा सबसे कम होगा। यही चीज़ है दोस्तों, इनइक्वालिटी है, इसलिए इसमें ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। इनइक्वालिटी के साथ साथ में दोस्तों ये भी रखा गया है कि जो भारत देश के अलावा और भी देश हैं, भारत देश में भी ऐसा होता है कि लोग खास करके रूरल एरिया में जो लिंग होते हैं, लिंग जेंडर जो होते हैं उसमें मेल फीमेल देखते हैं, मेल फीमेल, तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि इनका जो फीमेल है, इनका जो एजुकेशन लेवल है, ये बहुत ही रेयरली जो है हायर तक स्टडी कर पाते हैं। जो मेल है वो तो दिन प्रतिदिन और काफ़ी अपना इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं और काफ़ी हद तक पढ़ाई करते रहते हैं दोस्तों इस जेंडर में। और जो जेंडर है दोस्तों, जेंडर में ऐसे देखा गया है कि जो पॉपुलेशंस है किसी भी देश की पॉपुलेशंस है, वहाँ पर कितने लोग, मतलब कितने परसेंट, अगर हम इनके से बात कर रहे हैं भारत देश की, भारत देश में अगर श्रम में जो वर्क कर रहे हैं दोस्तों, 75% है और 49% है लेडीज का। जो जेंट्स हैं वो हैं 75%, जो लेडीज हैं वो हैं 49% लेडीज हैं, मतलब श्रम में। अगर इस तरह बात करते हैं संसद की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या है, इसमें दिया गया है कि 37% जो है लोग हैं, इनका जो परसेंट मात्रा है 37% लोग, ये क्या है, जो महिलाएं हैं इनको संसद में या पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट है इसमें होने का अधिकार है, लेकिन ये देखा गया है कि 17% ही लोग जो हैं, 17% महिलाएं जो हैं वो जो सदस्य होती हैं या लोकसभा, राज्यसभा या संसद हो, उसमें 17% है एज पर सर्वे इन इंडिया, इन भारत देश में। दोस्तों ये सब सारी चीज़ें हैं जो एक HRD में आज हम डिस्कस किया है आपके साथ में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस पे इस लेक्चर को सुनना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और समझना ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है फॉर अस। दोस्तों बस आज इतना ही इस वीडियो में, और फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।